चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे योगी कैबिनेट की। तो योगी कैबिनेट ने दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी। 10 लाख रोजगार के अवसर खुलेंगे, मिलेगी भारी सब्सिडी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। नई नीति में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं। अब बात करेंगे गर्जे थरूर की, तो कांग्रेस में फर्क क्यों है। मल्लिकार्जुन खड़गे से बराबरी के मुकाबले के सवाल पर बोले थरूर, कहा मुझसे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी नहीं मिलते। खड़गे साहब के लिए पीसीसी में भीड़ जुट जाती है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस तरह के काम किए हैं, उससे मुझे लगता है मुकाबले के लिए जमीन बराबरी की नहीं है। कई जगहों पर पीसीसी अध्यक्षों और बड़े नेताओं ने खड़गे का स्वागत किया, वे उनके साथ बैठते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों को मिलवाते हैं, पीसीसी से निर्देश चाहते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। ऐसी कई चीजें पीसीसी में हुई है, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बड़ा और अहम सवाल उन्होंने उठाया है कि जब खड़गे किसी भी क्षेत्र के दौरे पर होते हैं, वर्तमान समय में जब वो अपने लिए वोट मांगने जाते हैं, तो उस दौरान पीसीसी के द्वारा अहम दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि सभी आ जाइए, खड़गे साहब आ रहे हैं, पर जब मैं जाता हूं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब बात करेंगे राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 8 साल हो चुके हैं याचिका पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है हलफनामा दाखिल। इस बीच 16 बार सुनवाई के लिए याचिका लगी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में टली मामले पर सुनवाई। जानकारी आपको दे दें कि अहम सुनवाई से जुड़ा ये पूरा मसला है, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 8 साल हो चुके हैं याचिका पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है हलफनामा दाखिल। इस बीच 16 बार सुनवाई के लिए याचिका लगी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में टली है मामले पर सुनवाई। रेलवे में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बंपर वैकेंसी। 18 से 35 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स कर सकेंगे अप्लाई। आरपीएफ में कांस्टेबल और एएसआई के पदों पर निकली है ये भर्ती। सहायक उपनिरीक्षक के पद के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। कुल 9,500 पदों के लिए शुरू होगी ये भर्ती प्रक्रिया। दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकेंगे आवेदन। ऋतुजा लटके को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई है फटकार। बीएमसी को दिए हैं इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश। कहा, ऋतुजा का इस्तीफा मंजूर करे बीएमसी। कल सुबह 11 बजे तक इस्तीफा मंजूर करे। उपचुनाव में अंधेरी ईस्ट सीट से उद्धव गुट की उम्मीदवार है ऋतुजा। कल ही उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख, कल ही उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख और उससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की ये फटकार। अब बात करेंगे राजीव गांधी के हथियारों की रिहाई के मामले की। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। तमिलनाडु सरकार ने रिहाई का समर्थन किया है। दोषी एस नलिनी और आरपी रविचंद्रन की रिहाई का समर्थन किया है। दोनों दोषी 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। दोनों ने एक दोषी पेरिवलन की तर्ज पर की है रिहाई की मांग। तो दोनों ने एक दोषी पेरिवलन की तर्ज पर रिहाई की मांग की है। वाराणसी में एक बार फिर से उफान पर है गंगा। एक बार फिर नौका संचालन पर रोक लगी है। तीसरी बार लगी है नौका संचालन पर रोक। घाटों पर भी पुलिस ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को घाट के पास जाने से रोका जा रहा है। रोक लगाने से नाविकों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, पर वहीं दूसरी ओर उनकी जिंदगियों को बचाना भी बेहद जरूरी है। यही वजह कि रोक लगाई गई। दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ याचिका। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट सुने मामला। याचिकाकर्ता ने सीजेआई की बेंच से की थी सुनवाई की मांग। कहा था हाईकोर्ट में जब
सुनवाई हो रही थी तब हाईकोर्ट ने याचिका पर यह कहते हुए 18 अक्टूबर के लिए सुनवाई टाल दी थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट देखे ये पूरा मामला। सीजेआई यूयू ललित ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट ही मामले की सुनवाई करे। तो सीजेआई यूयू ललित ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले की सुनवाई करे। चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से जुड़ा ये पूरा मामला है। हजारों भारतीय छात्र 2 साल से कर रहे हैं वापसी का इंतजार। चीन ने 1300 से अधिक छात्रों को दिया है वीजा, लेकिन सीधी उड़ाने नहीं। कोरोना के चलते संबंधित नियमों में बदलाव के कारण संभव नहीं है सीधी उड़ाने। 23,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं चीनी यूनिवर्सिटी में नामांकित। छात्रों को दूसरे देशों से करनी पड़ रही है यात्रा। छात्र श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार होते हुए जा रहे हैं चीन। छात्रों को हांगकांग से यात्रा करने की दी जा रही है सलाह। हांगकांग में 7 दिन क्वारंटीन के बाद भर सकते हैं चीन के शहरों के लिए उड़ान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आदेश दिए। तो तेजी लाने के लिए आदेश दिए गए थे कि प्रक्रिया तेजी से हो ताकि जो छात्र हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जम्मू में बाहरी लोगों को वोटर बनाने का फैसला पलटा। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। हालांकि अभी जम्मू में नहीं हुआ है चुनाव का ऐलान। अब 1 साल से अधिक रहने वालों को ही मिलेगा मतदान का अधिकार। महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला समेत नेताओं में इसका विरोध है। हालांकि भारी विरोध के बाद जम्मू के उपायुक्त ने अधिसूचना को लिया वापस। अधिसूचना में 1 साल से अधिक का समय किया गया था अधिकृत। तहसीलदारों को 1 साल होने पर निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया था अधिकृत, पर जिस तरीके से विरोध देखने को मिला है तो वैसे में ये फैसला उल्टा गया। भारत करेगा नामीबिया को व्यापार में सपोर्ट। नामीबिया ने हाथी दांत के व्यापार में सपोर्ट देने का रखा प्रस्ताव। CITES पर होने वाली कन्वेंशन मीटिंग में कर सकते हैं व्यापार को सपोर्ट। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मिलने वाले हाथी दांत के व्यापार को सपोर्ट की मांग। ये है अनुमति। नामीबिया ने भारत से चीता प्रोजेक्ट के समय मांगी अनुमति। हालांकि इस बारे में भारत की ओर से नहीं आया अभी तक कोई जवाब। हालांकि भारत ने 1980 से अभी तक हाथी दांत के ट्रेड पर पूर्ण बैन का किया समर्थन। ऐसे में अगर भारत इस पर सहमत होता है तो ये होगा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। मामले को नवंबर में होने वाले कन्वेंशन में फिर से रखा जाएगा वोट के लिए। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर वासियों को सौगात। शहर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क बनकर हुआ है तैयार। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे इस पार्क का लोकार्पण। शहर के मानसरोवर में बना है ये पार्क। 52 एकड़ जमीन पर 110 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बना है। 3.5 किलोमीटर लंबा है जॉगिंग ट्रैक। वॉकिंग ट्रैक के किनारे इंस्टॉल किए गए हैं म्यूजिक सिस्टम। पार्क के एंट्री गेट पर ही लगाया गया है बड़ा फाउंटेन। पार्क में लगाए हैं भिन्न भिन्न 32 प्रजातियों के पेड़ पौधे। कुछ फलदार पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो वहीं कुछ फूलों के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इस पार्क की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। प्रदेश में 1190 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी कोल इंडिया। 5,400 करोड़ रुपए का होगा इन्वेस्टमेंट। RUVNL और कोल इंडिया लिमिटेड में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का MOU साइन हुआ है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में MOU साइन हुआ है। बीकानेर के पूगल में लगेगा ये सोलर प्रोजेक्ट। सरकार ने 4,846 हेक्टेयर जमीन अलॉट की है। 810 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट खुद उत्पादन RUVNL भी लगाएगा। कोयले की कमी और पॉल्यूशन दोनों से निपटने में सोलर एनर्जी कारगर है। तो सोलर प्रोजेक्ट खुद उत्पादन के लिए RUVNL भी लगाएगा। तो कोयले की कमी और पॉल्यूशन दोनों से निपटने में सोलर एनर्जी कारगर है। RUVNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट MOU कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में हुआ MOU। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का उद्बोधन। कहा हम देश की जरूरतों को समझना होगा, यानी कि हमें देश की जरूरतों को समझना होगा। दूसरे देशों की तुलना में हमें काफी बदलाव करना होगा। कोल इंडिया का काम है कोयला देना। कोयले का भविष्य तो 50 साल तक का है, लेकिन दूसरे विकल्प भी जरूरी है। कोविड में हमने राज्यों को कहा था कोयला स्टॉक के लिए, लेकिन अधिकांश राज्यों ने ऐसा नहीं किया, जिससे दिक्कतें हुई।
राजस्थान में कोयले की दिक्कत की जानकारी है। मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से राजस्थान में 7 दिन तक का कोयला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे कोयले की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो बड़ा विश्वास दिलाया गया है कि राजस्थान में आगे के दिनों के लिए कोयले की दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे RVUNL कोल इंडिया सोलर प्रोजेक्ट MOU कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की केंद्रीय कोयला मंत्री की मंशा की तारीफ। कहा, मैं आपके संबोधन से प्रभावित हुआ, मुझे खुशी हुई आपने आगे बढ़कर राजस्थान के सहयोग की बात कही। केंद्र के साथ पूरा सहयोग करेगा राजस्थान। मुझे उम्मीद है MOU होने के बाद प्लांट का काम भी जल्द ही शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और तो केंद्रीय मंत्री की तारीफ की और साथ ही जो उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान बातें रखी उसको लेकर भी एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया उनके सामने। अब बात करेंगे आस्था, प्रेम और अखंड सौभाग्य के पर्व यानी कि करवा चौथ। तो करवा चौथ का पर्व आज है। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा है। हाथों में मेहंदी रचा कर पति की लंबी उम्र की कामना महिलाएं कर रही हैं। कुंवारी लड़कियों ने अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखा है। शहीद पति की याद में वीरांगनाएं भी करवा चौथ का व्रत रख रही है। सुहागिनें रात को पूजा के साथ चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। इस बार करवा चौथ पर शुभ ग्रह नक्षत्र और योग संयोग। ज्योतिषियों के अनुसार करवा चौथ पर बना है विशेष संयोग। आज सिद्धि, लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य योग का विशेष संयोग है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र और उच्च का चंद्रमा दिलाएगा सुख और समृद्धि। बाजारों में करवों की बिक्री हो रही है तो वही मॉल्स और शोरूम्स में भी खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। 16 तारीख से शुरू होंगे ग्रामीण ओलंपिक के फाइनल मुकाबले। SMS स्टेडियम में भिड़ेंगे राजस्थान के 3,696 खिलाड़ी, 1,782 पुरुष और 1,914 बालिका खिलाड़ी लेंगी हिस्सा। प्रदेश के 33 जिलों की 330 टीमें लेंगी हिस्सा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 अक्टूबर को करेंगे फाइनल का शुभारंभ। 7,20,000 के बांटे जाएंगे पुरस्कार। 16 से 19 अक्टूबर तक खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। पड़वा लागी ओस। जी हाँ, पोस्ट मॉनसून का दौर थमते ही प्रदेश में सर्दी दस्तक दे रही है। कई शहरों में रात का पारा जा चुका है 20 डिग्री से नीचे। दिवाली तक प्रदेश में पारे में और आएगी गिरावट। रात के पारे में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर अब बढ़ने लगा है। इसके चलते जयपुर समेत कई जिलों में गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। तो प्रदेश में कई जगह लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।